हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर टू। अब एग्जाम्पल नंबर टू की अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखते जाइए एग्जाम्पल नंबर टू में क्या दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम क्वेश्चन को पढ़ के और समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म, नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे के जब भी दो टर्म फाइंड आउट करना है तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको ये सिखाया है कि इसके आप चाहे ये पहले के हो, चाहे ये दूसरे के हो, चाहे ये सॉरी दूसरा ये चौथा हो, इन सभी के अगर पता करना है कि ये एपी है या नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, जैसे पहला है 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, तो आपने क्या लिखना है। देखो पहले नंबर तो इसको लिख लो, ए वन इक्वल टू क्या है 4 है, ए टू इक्वल टू क्या है 10 है, ए थ्री इक्वल टू क्या है 16 है, एंड ए फोर इक्वल टू क्या है 22 है, क्लियर। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर उसके डिफरेंट निकालने हैं। जैसे डी वन मैं निकाल रहा हूं ए टू माइनस ए वन क्या है, ए टू माइनस ए वन यहाँ पे आगे मैं लिख लेता हूँ, ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है 10 है और ए वन क्या है 4 है, देख सकते हैं यहाँ पर ए वन जो है 4 है और ए टू 10 है, तो 10 माइनस 4 क्या आ गया आपका वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। अब डी टू निकालेंगे, ठीक है, डी टू क्या होगा ए थ्री माइनस ए टू है। अब ए थ्री माइनस ए टू अगर मैं करूं तो देखिए ए थ्री में 16 दिया हुआ है और ए टू दिया है आपका 10, यहाँ पर भी 6 आ गया। अब तीसरा चेक करेंगे, बराबर आ रहा है तो तीसरा चेक करेंगे, अगर यहीं पे बराबर नहीं आते ना तो मैं लिख देता D1 is not equal to D2, तो ये AP नहीं होता, लेकिन ये है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा A4 minus A3, D3 निकाल रहा हूं, तो A4 क्या है, A4 अगर यहाँ पर देखेंगे तो कितनी वैल्यू है 22 है और इसमें से 16 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है 6 आ रही है, मतलब ये सारा जो वैल्यू है D1 D2 यहाँ पर लिख भी देंगे बिकॉज ऑफ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 और इक्वल टू कितना आ रहा है 6, सो यहां पे लिख देंगे सो देयर फॉर दीज लिस्ट ऑफ नंबर्स आर APs, ठीक है, दीज लिस्ट ऑफ नंबर आर APs। अब आगे के दो टर्म फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो आगे के दो टर्म फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए कैसे दो टर्म फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जैसे अब आपको चाहिए क्या है A5 चाहिए, तो A5 जानने के लिए क्या करते हैं A+4D कर देते हैं, ठीक है, कोई भी टर्म अगर करना है ना तो A+4D। अब देखिए A की वैल्यू जो उसका पहला वैल्यू था वो कितना था 4 था, A की वैल्यू जो फर्स्ट 4 और 4D की वैल्यू कितनी आ रही थी 6 आ रही थी, तो 6 4 जा पहले मल्टीपल कर देंगे 6 4 जा 24, 24 में ये 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो गया। फिर आपको चाहिए A6 चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A+5D आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर वही 4+5 × 6 कर लेंगे, 5 6 30 में ये 4 ऐड कर देंगे तो 34 हो गया। दो ही टर्म आगे फाइंड आउट करने थे तो ये आपके सामने दो टर्म हो गए, ठीक है, तो आपके सामने ये पहले क्वेश्चंस का सोल्यूशन हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सोल्यूशन करना है, ठीक है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये है कि नहीं है, फिर बाद में थर्ड वाला भी चेक करेंगे, फोर्थ वन भी चेक करेंगे। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो वैल्यू थर्ड और ये फोर्थ नहीं है लेकिन सेकंड नंबर है, ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है 1 -1 -3 -5, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, क्या दिया हुआ था लिस्ट ऑफ नंबर में सेकेंड नंबर पे 1 दिया था, -1 दिया था, -3 दिया था और -5 दिया था। अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे तो A1 है 1, A2 आपका -1 है, A3 की बात करेंगे तो -3 है, A4 की बात करेंगे तो -5 है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि आपको D कॉमन डिफरेंट, पहले D1 निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है तो D1, ठीक है, D1 कैसे मिलेगा A2 माइनस A1 से, A2 क्या है -1 और माइनस होता ही है, A1 भी क्या है -1, तो आ रहा है कितना -2, ठीक है। D2 अब निकालेंगे, D2 कितना है
a3 माइनस a2 से, a3 कितना है माइनस 3 और माइनस होता ही है, और a2 कितना है माइनस 1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस 3 प्लस 1 हो रहा, माइनस 3 प्लस 1 हो रहा, तो ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस है तो डिफरेंट करेंगे 3 माइनस 1 2 आ रहा है, और बड़े वाले का साइन लगा देंगे, ठीक है बड़े वाले का साइन क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं d3, ठीक है d3 क्या होगा a4 माइनस a3, अभी a4 की वैल्यू कितनी है माइनस 5 है, ठीक है, और a3 कितना है माइनस 3, यहां पर भी ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो माइनस 5 प्लस 3 कितना हो गया माइनस 2, तो सभी बराबर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज ऑफ d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, ठीक है, और वैल्यू कितनी है माइनस 2, सो देयरफॉर लिख देंगे दीज लिस्ट ऑफ नंबर्स आर एपीज हैं, ठीक है, अब एपीज हैं तो आगे के दो टर्म फाइंड आउट करने हैं, तो दो टर्म फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे दो टर्म यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, क्या चाहिए a5 चाहिए, तो a5 कैसे मिलेगा a+4d, अभी इसके पहले हमने करके भी देखा था a की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस 4 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और d की वैल्यू कितनी है माइनस 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 और यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस होगा, 4 2 जा 8 हो गया, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और बड़े वाले का साइन क्या है माइनस, तो माइनस 7 आ गया। आपको नेक्स्ट a6 पता करना है, तो a+5d होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू a1+5-2 हो गया, यहाँ पे आया आपकी वैल्यू 1 और प्लस माइनस का माइनस 5 2 10, 10 में से एक माइनस करेंगे 9 आएगा, लेकिन बड़े वाले का साइन माइनस है इसलिए माइनस साइन हो गया, तो माइनस 9, इस तरीके से दो टर्म और फाइंड आउट हो गए। इसी तरीके से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बाकी सभी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, देखिए ये दो आपको होमवर्क है, ठीक है, और आपको बताना है कि ये दो थर्ड वाला और फोर्थ वाला एपी है या नहीं है, ठीक है, फर्स्ट कमेंट का मैं वेट करूंगा कि कौन है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा कि उन्होंने फर्स्ट कमेंट करके बताया था कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ मैंने ये जो क्वेश्चंस डाले थे कि थर्ड और फोर्थ आपको बताने हैं कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है, तो आपने लिखना कैसे है कमेंट में कि थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस एपी नहीं है, और फर्स्ट कमेंट जिसका होगा उसको फोर्थ में नेक्स्ट वीडियो में उसको उसका नाम अनाउंस करूंगा, सो देखते रहिए और अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए, सो थैंक यू।